आप सबको मेरा बहुत नमस्कार. मैं डॉक्टर बानु माथुर, सीनियर इम्प्लांटोलॉजिस्ट, पार्था डेंटल हैबाल ब्रांच. आज मैं यहाँ पर हैबाल ब्रांच में बैठी हुई हूँ और हैबाल ब्रांच जो हमारी है ये लोकेटेड है कैंपापुरा रोड पर. कैंपापुरा रोड पे जब आप आएंगे तो प्रेसिडेंसी कॉलेज यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है. प्रेसिडेंसी कॉलेज के बिल्कुल पास में हमारा क्लिनिक लोकेटेड है फर्स्ट फ्लोर पर. क्लिनिक के बिल्कुल ऑपोजिट आप देख सकते हैं कैफे कॉफिटेरिया सीसीडी के एग्जैक्टली ऑपोजिट फर्स्ट फ्लोर पे हमारा हैबाल ब्रांच जो है वो लोकेटेड है. तो आज मैं यहाँ से हैबाल ब्रांच से बात कर रही हूँ और डिस्कस करेंगे आज हम कि हमारे दांतों की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमारे मुँह में टीथ का होना या दांतों का होना आवश्यक या ज़रूरी है, और क्या होगा अगर हमारे मुंह में जो दांत हैं वो मजबूत नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो किस तरीके से उसका एक एडवर्स इफेक्ट हो सकता है हमारी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर. तो आपके और आपकी फैमिली में किसी को भी किसी भी तरह की अगर दंत चिकित्सा की ज़रूरत हो, किसी को भी अगर डेंटल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ आप हैबाल ब्रांच में आएँ और यहाँ पर फ्री कंसल्टेशन आप ले सकते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे दांतों की क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों दांतों का मजबूत होना ज़रूरी है. पार्था डेंटल, जैसे आप जानते हैं, पार्था डेंटल एक साउथ इंडिया की सबसे बड़ी जो है चेन है डेंटल क्लिनिक्स की. अभी तक पार्था डेंटल की 100 ब्रांचेस हम खोल चुके हैं. इतनी ब्रांचेस जब हम खोल रहे थे, जो हमारी ये यात्रा रही 100 ब्रांचेस को खोलने की, इसमें हमने रियलाइज़ किया कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में डेंटल ट्रीटमेंट्स को लेकर के, डेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर, दांतों की समस्याओं को लेकर के जागरूकता की बहुत ही कमी है. तो हम लोग ये वीडियोस शूट कर रहे हैं, छोटे छोटे वीडियोस, जिसके थ्रू हमें लगता है कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम समाज के अंदर एक जागरूकता पैदा करें उनकी दंत समस्याओं को लेकर के, एक जागरूकता पैदा करें डेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर के, ताकि हर आदमी अपना डेंटल ट्रीटमेंट जो है वो टाइम से करवा सके और एक स्वस्थ जीवन जो है वो जी सके. तो आज मैं जो हमारा ये टॉपिक है कि क्या दांतों की इम्पोर्टेंस है, क्यों दांत हमारे मुंह में हेल्दी होना, स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, उसको हम आज 4 पार्ट्स में डिवाइड करके और डिस्कस करेंगे. सबसे पहली चीज़ कि हमारे मुंह में क्यों स्ट्रॉन्ग टीथ होना, क्यों एकदम मजबूत दांत होना ज़रूरी है. पहली जो चीज़ है वो ये है, हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग दांत ताकि हमारे जो चबाने की क्षमता है, जो हमारा खाना चबाने की क्षमता है वो प्रॉपर रहे. अगर हमारे मुंह में सारे दांत नहीं होंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दांत मिसिंग होगा, या हमारे मुंह में सारे दांत नहीं हैं, तो हम किस तरीके से अपना खाना चबा पाएंगे. अगर हमारे जो मुँह के पीछे वाले दांत रहते हैं उनका काम होता है खाना चबाने का, आगे वाले जो दांत होते हैं उनका काम होता है खाना को काटने के लिए, कट करने के लिए. तो इनमें से अगर कोई भी दांत नहीं है, अगर कोई भी दांत मिसिंग है, तो हमारा जो खाना चबाने की जो क्षमता है उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है. अगर हम अच्छे से अपना खाना नहीं चबा पाएंगे तो डेफिनेटली वो खाना हमारे मुंह से होकर के हमारे पेट में जाता है, वहाँ जाकर के जो डाइजेशन का जो प्रोसेस रहता है उसके ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है. अगर हम अच्छे से अपना खाना चबा के नहीं खाते, ऐसे कई आपने घर में अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि खाना अच्छे से चबा करके फिर ही आप अंदर लीजिए, अगर आप खाना अच्छे से नहीं चबाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका उल्टा असर आपके डाइजेशन पे फर्क पड़ता है. अगर आप अच्छे से खाना नहीं चबा पाएंगे, अच्छे से अगर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो प्रॉपर जो है आपको जो एनर्जी मिलती है जो खाने से, वो एनर्जी मिलने में भी दिक्कत होगी. या कई लोग क्या करते हैं, जब उनके दांत मजबूत नहीं रहते तो वो अपनी रेगुलर डाइट से शिफ्ट होकर सॉफ्ट डाइट पर आ जाते हैं. अब टोटल जो सॉफ्ट डाइट लोग लेने लग जाते हैं उससे फर्दर फिर वही होता है कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे फर्क पड़ता है और उनके स्वास्थ्य पे उसका सीधा असर पड़ता है. इसलिए दांतों का जो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है वो है प्रॉपर हमें दांत चाहिए, ताकि हमारी जो खाना चबाने की जो क्षमता है वो बनी रहे, हम हर तरीके का जो खाना है वो आराम से खा सकें और एक स्वस्थ जीवन जो है वो हम जी सकें. दूसरा जो एक रीज़न है हमें खाना क्यों चाहिए, उसके लिए है कि अपने चेहरे की सुंदरता को मेंटेन करने के लिए.
शायद आपने इस एंगल से कभी ना सोचा हो, लेकिन हमारे जो फेशियल मसल्स हैं, जो हमारे चेहरे की जो मांसपेशियां हैं, उनको सपोर्ट कहाँ से मिलता है? हमारे चेहरे की जो मांसपेशियां हैं, उनको सपोर्ट मिलता है हमारे मुंह के अंदर जो दांत हैं उनसे। अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो, कभी ध्यान से देखा हो, जो हमारे घर में कुछ लोग होते हैं जिनके पीछे की दाढ़ी स्पेशली जिनकी चली जाती हैं, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो उनकी स्किन जो है वो सैग हो जाती है। वो अपनी उम्र से पहले ही बहुत बुजुर्ग से लगने लग जाते हैं। अगर उनकी 40 की उम्र है तो वो 50 के लगने लग जाते हैं, अगर 30 की उम्र है तो वो 40 के लगने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ये जो स्किन है यहाँ की चेहरे की, जो गाल की, वो स्किन एकदम लटक जाती है। स्किन एकदम सैग होने का, लटकने का रीज़न क्या रहता है कि उनके मुँह के जो दांत हैं वो चले गए हैं। जैसे ही मुँह के जो दांत जाते हैं, यहाँ से पूरी स्किन जो है वो लटक जाती है और लोग बहुत ही अपने उम्र से ज़्यादा दिखने लग जाते हैं। पूरा जो आपका फेशियल प्रोफाइल है वो एकदम चेंज हो जाता है। तो चेहरे की सुंदरता को मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर एक फेस की हाइट मेंटेन करने के लिए भी दांतों का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तीसरा जो एक हम रीज़न है कि हमको हमारे मुँह में क्यों दांत ज़रूरी हैं, वो है कि हमारे बोलने की क्षमता। जब अब मैं जिस तरीके से आपसे बात कर पा रही हूँ, मैं क्लियरली बोल पा रही हूँ, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो अच्छे से समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे मुँह में सारे दांत हैं। पहले के टाइम में मुँह में 32 टीथ हुआ करते थे, आज के टाइम में अगर विजडम टूथ नहीं भी है, अगर 28 टीथ भी अगर आपके मुँह में है, 28 दांत भी हैं तो भी वो सफिशेंट है। लेकिन अगर वो 28 दांत में से कहीं कोई दांत अगर मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं जो आपके बात करने की जो कैपेसिटी है या आपके बोलने की क्षमता है उसके ऊपर फर्क पड़ जाएगा। कई लोग होते हैं जिनके आगे का दांत अगर नहीं होते, कोई एक्सीडेंट की वजह से, डीके की वजह से, कीड़ा लगने की वजह से अगर आगे का दांत मिसिंग है, तो जब लोग बोलते हैं तो वो हवा से निकल जाती है और जो उनके बोलने के जो वो वर्ड्स हैं वो क्लियरली नहीं आ पाते। बोलने वाला बोल देता है लेकिन जो सुनने वाला है वो एग्जैक्टली समझ नहीं पाता कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं अपनी जो हमारी बोलने की क्षमता है उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है अगर हमारे सभी दांत नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दांत मिसिंग है। तो जो हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, लोगों को अपना कोई भी मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, वो मैसेज हम प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते अगर हमारे कोई दांत मिसिंग है। तो एक और चौथा बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न क्या है कि क्यों हमें अपने दांत स्वस्थ रखने चाहिए, क्यों हमें अपने दांत मजबूत रखने चाहिए और क्यों मुंह में सारे दांतों का होना ज़रूरी है, कोई भी दांत मिसिंग नहीं होना चाहिए। WHO, जैसे आप सभी जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका ये मानना है कि हमारे शरीर का कोई भी अंग ज़रा सा या पूरी तरीके से अगर काम नहीं कर रहा है, या अगर 20%, 25% या 50% भी अगर काम नहीं कर रहा है या मिसिंग है कुछ वहाँ पर, तो हम हैंडीकैप की कैटेगरी में आ जाते हैं, विकलांग की कैटेगरी में आ जाते हैं। कहने का मतलब कि अगर आपके मुंह में एक दांत भी अगर मिसिंग है तो आपका मुंह जो है वो स्वस्थ नहीं कहलाएगा, कहीं ना कहीं वो विकलांग मुंह की कैटेगरी में आ जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी है वो कम्प्लीटली हेल्दी नहीं कहलाएगी अगर आपके मुंह में एक भी दांत मिसिंग है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, हर 6 महीने में, नहीं तो 1 साल में ज़रूरी अपने डेंटिस्ट को मिलना ही मिलना है। हम लोग अभी क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यंग जनरेशन की भी बहुत जल्दी दांत टूटने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनके दांतों में कीड़े लगे हुए होते हैं। लेकिन क्योंकि एक जागरूकता की, अवेयरनेस की कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में कमी है, तो लोग अपने डेंटिस्ट को के पास जाने से, डेंटल ट्रीटमेंट करवाने से कतराते हैं, कहीं ना कहीं अवॉइड करते रहते हैं, सोचते हैं कि जब तक बहुत ज़्यादा पेन नहीं हो, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हो, तब तक क्यों जाएं? तो ये एक जो मेंटालिटी है डेंटल ट्रीटमेंट्स को लेके, ये कहीं ना कहीं हम लोग बदलना चाहते हैं। इसीलिए हम ये अवेयरनेस वीडियोस जो हैं ये शूट कर रहे हैं, क्योंकि हम सब लोगों को, स्पेशली यंग जनरेशन को, ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि अगर आपके दांतों में कोई भी तकलीफ है, चाहे वो छोटी सी भी क्यों ना हो,
प्लीज आए और अपने डेंटिस्ट से मिले। हर 6 महीने में डेंटल ट्रीटमेंट के लिए एक बार अपने डेंटिस्ट को विजिट करना बहुत ही जरूरी है। जैसे ही आप हमारे कोई भी क्लिनिक विजिट करते हैं, हम आपका अच्छे से चेकअप करेंगे और देखेंगे कि क्या तकलीफ है। आपसे पूछेंगे कि लास्ट टाइम आपने कब डेंटल ट्रीटमेंट करवाया था, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, इंट्रा ओरल कैमरा। इंट्रा ओरल कैमरा की मदद से हम आपके मुंह की तस्वीरें खींच करके और फिर आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं। जब आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देखेंगे कि किस तरीके से आपके मुंह में डिपॉजिट्स हैं, कहाँ कहाँ कीड़े लगे हुए हैं, किस तरीके से गम्स में स्वेलिंग आ रही है, तब आपको एग्जैक्टली रियलाइज होगा कि कितनी आपको डेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, लेकिन हम अभी तक ऐसे ही अवॉइड करते जा रहे थे। तो आपके घर में छोटे बच्चे हैं अगर, या आपके घर में बुजुर्ग हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, नेबर्स हैं, सबको आप डेंटल ट्रीटमेंट्स के लिए जागरूक करें, सबको एडवाइस करें कि हर 6 महीने में एक बार डेंटल विजिट ज़रूरी है, सबको जाना ही चाहिए और एक बार डेंटिस्ट से मिलकर के आना चाहिए और देखना चाहिए कि उनको कितनी ज़रूरत है डेंटल ट्रीटमेंट की। यहाँ पर अभी हम हैबार ब्रांच में हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं आप सभी से कि हर 6 महीने में अपना डेंटल ट्रीटमेंट करवाएं और हमारी हैबार ब्रांच कैपैपुरा में आएं और अपना जो डेंटल कंसल्टेशन है वो डेफिनेटली दीजिए। हम कंसल्टेशन फीस भी नहीं चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा एम जो है वो ये है कि हम सोसाइटी में एक अवेयरनेस क्रिएट करें। तो प्लीज़ आइए, एक फ्री कंसल्टेशन अवेल कीजिए और आपके जो भी डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ भी दांतों से रिलेटेड समस्या है, उसका बेस्ट ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू।